प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर की क्लास मूल शिक्षण के अंतर्गत इकाई हम पढ़ेंगे दूसरी, जिसमें नाम हमारा इस इकाई का नाम है भूगोल में अधिगम संसाधन। भूगोल के अंतर्गत बोला है कि हमारे शिक्षण कार्य के अंतर्गत किस प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक उपकरणों से संबंध प्रयोग हो रहा है, उससे संबंधित जो हम पढ़ेंगे उससे समझाने के लिए कि हमारे शिक्षण कार्य को संपूर्ण करने के लिए, हमारा प्रभाव बनाने के लिए, आकर्षण बनाने के लिए हमें किन किन सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे शिक्षण कार्य में शिक्षण कार्य जो है प्रभावी बन सके। तो उसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि हमारे भूगोल में भूगोल के अंतर्गत सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के आधार पर हमारे प्रायोगिक पाठ्यक्रम भी होता है। जिस पाठ्यक्रम के अंदर हम पढ़ा था कि प्रायोगिक भूगोल के लिए आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री किस प्रकार के, हमने अगर पढ़ा था कि प्रायोगिक भूगोल के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री या उपकरण, इसमें हमारे पास त्रिपाल, प्लेन टेबल सर्वे, स्पिरिट लेवलिंग, रिसर्च जैसे पढ़ा था। उसी क्रम को आगे पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं कि दिशा सूचक जो यंत्र होता है, उपकरण होता है, यह सर्वेक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है, जिसके द्वारा एक यह उत्तर दिशा को प्रदर्शित करती है, जिसके अंदर एक ट्रप कंपास होता है। उस ट्रप कंपास में एक सुई लगी होती है, जहां पर एक मैग्नेटिक सुई होती है जो उस उत्तर दिशा के दिशा को देखती है, वो मूवमेंट करती है। मूवमेंट जब उत्तर दिशा में होती है तो अपना सुई है वो स्थिर हो जाती है। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हम पढ़ते हैं ट्रेसिंग टेबल। ट्रेसिंग टेबल, ट्रेसिंग टेबल क्या है उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। ट्रेसिंग टेबल तो नहीं होता है कि भूगोल सर्वेक्षण के कार्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मानचित्रों, प्रक्षेपों, ये द्रादल के भूपत्र को आदि को पुनः एक बार बनाने के लिए, वैसे की वैसी क्रिया करने के लिए हम ट्रेसिंग टेबल का प्रयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं। तथा इसके द्वारा ही किसके द्वारा इस ट्रेसिंग टेबल के द्वारा इस क्रिया के द्वारा इसके अंदर समय की बचत होती है, श्रम भी कम लगता है। अतः कहना होना है कि ट्रेसिंग टेबल क्या है, ट्रेसिंग टेबल एक कांच का परावर्तित रूप होता है। ट्रेसिंग टेबल एक कांच का परावर्तित रूप होता है, जिससे एक लकड़ी का बॉक्स बना बने लगे हुए में ट्यूबलाइट या बल्ब का प्रकाशन जब ऊपर की ओर आता है जब शीशे पर रखी वस्तु या प्रतिबिंब उस वस्तु पर की जगह ज्योग त्यों दिखाई देता है, उससे विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रेस करना सीख जाता है। मतलब ड्रेसिंग टेबल होता है एक प्रकार का बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स होता है ड्रेसिंग टेबल, एक प्रकार का बॉक्स होता है नई सीट रखने पर जो नीचे दिखती है सीट
उसका चित्र ऊपर वाली सीट के ऊपर दिखाई देता है और एक विद्यार्थी अपने आवश्यकता अनुसार ब्लैक पेन का प्रयोग करते हुए आकृति करता है बनाने की कोशिश करता है। हूबहू वैसी क्रिया उस पांच चित्र द्वारा हमें प्राप्त हो जाती है। कहना मना है इस ड्रेसिंग बॉक्स जिसे बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल, इस ड्रेसिंग टेबल के अंदर एक और इसके अंदर तो हॉल भी होते हैं जो हवा को बर्बाद बाहर करने का काम करते हैं, क्योंकि बल्ब जब गर्म होता है तो कांच गिरना नहीं चाहिए, मतलब हमारा जो कांच है ये कम से कम 12 फीट या 1.5 फीट होना चाहिए, 1.5 फीट के बराबर होना चाहिए, मतलब इसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि गर्म कांच गर्म ना हो। इस ड्रेसिंग टेबल की तो ऊंचाई इतनी होती है कांच गर्म ना हो, कांच अपने ठंडे रूप में कार्य करे, ये जो भी बल्ब बने हुए गैस है गर्म गैस इन हॉल के द्वारा बाहर निकलने चाहिए, हमारा कार्य बन सकता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं फीता, क्या था फीता भी हमारे भूगोल सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत विद्या का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इस सर्वेक्षण कार्य के अंतर्गत फीता जो है फीता प्लास्टिक का भी हो सकता है, कपड़े का भी हो सकता है और धातु का बना होता है, और फीते भी अलग अलग लंबाई के होते हैं, परंतु भूगोल सर्वेक्षण कार्य में 30 मीटर या 100 फीट का होता है। कितने फीट का होता है? 30 मीटर या 100 फीट का होता है। हमारे जब भूगोल सर्वेक्षण जब कार्य करते हैं पहले में कार्य करते हैं ऑब्जर्वेशन, जब तिरपाल के द्वारा एक अपनी ऑब्जर्व को देखता है विषय वस्तु को देखता है, विषय वस्तु के अंदर जो दूरी होती है उस दूरी को नापने के लिए हमें फीते का प्रयोग करना पड़ता है, और फीता जब होता है तो फीते के अंदर हमारा एक स्केल होता है मापनी होती है कि हमारा जो है वो मापनी किस में मीटर में है, हेक्टोमीटर में, किलोमीटर में, या पल्लांग में, या गज में, उन सभी को ध्यान रखते हुए एक अध्यापक दूरी को नाप कर अपने आर पर लिखता है, जिसके द्वारा सर्वेक्षण करता इस फीते के द्वारा इस त्रिपाद के द्वारा सर्वेक्षण करता उसे विषय वस्तु की दूरी का पता लगाने के लिए फीते का प्रयोग करता है, कि फीते की मतलब जहाँ ऑब्जर्व करता खड़ा है वहां से लेकर जो ऑब्जर्व है जिसको देख रहा है जो विषय वस्तु या पेड़ पौधा जो भी है वो उस जगह से लेकर वहां तक कितनी दूरी है उनको नापने के लिए हम फीते का प्रयोग करते हैं। फीता हमारा 30 मीटर का होता है या 100 फीट का भी होता है, उसमें दोनों बंद है मीटर और फीट दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। अब आता है डैम, जब होता है सर्वेक्षण डैम, दंड कहते हैं सर्वेक्षण क्या है, एक प्रकार का किसी ऑब्जर्व को देखने के लिए दूर से देखने के लिए उसका ऑब्जर्व को से स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए हम एक दंड का प्रयोग करते हैं। दंड एक प्रकार का ऐसा होता है मगर यह क्या अलग अलग रेंज में होता है, जैसे ये भाग है तो अलग अलग रेंज में अलग अलग जोड़ी की वो दूर से दिखाई देता है, क्योंकि ये क्रिया हमारे सर्वेक्षण के अंदर बताई जाती है चाहिए। ये हमारे सर्वेक्षण डैम है जिसके अंतर्गत हमारे अलग अलग लोगों के द्वारा जितना दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से ये उनके द्वारा है। ये हमारे सर्वेक्षण डैम है जिसके अंतर्गत ये मतलब सर्वेक्षण डैम की लंबाई है वो 6 फीट हो सकती है, 6 फीट भी या 10 फीट दोनों में से ही हो सकता है। हमें एक भूगोल
सर्वेक्षण करता अपने भूगोल के लैब के अंदर प्रयोगशाला के अंदर किस प्रकार की वो करते हैं कि कहना वाला कि सर्वेक्षण की लंबाई 10 से 6 फीट तक लंबे होते हैं। सर्वेक्षण विंडो को प्रत्येक फीट पर लाल रंग, काला रंग, सफेद रंग आदि रंगों से प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि दूर की कोई भी वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये हमारा ऑब्जर्व को देखने के काम होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने भूगोल में बायोलॉजी सहायक सामग्री से पढ़ा हमारे प्रयोग भूगोल में किस किस प्रकार के उपकरण होने चाहिए उनसे संबंधित पढ़े हैं, और हम नए प्रकरण के साथ में नए विषय के साथ में फिर मिलेंगे। ये टॉपिक हमारा जो था सेकंड नंबर, इसको संपूर्ण होने में से एक दो कई और मैं समझाऊंगा इसके अंतर्गत, फिर हमारी सेकंड चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो व्याख्यान के नीचे जाकर आप अपनी उपस्थिति, नाम और पिता का नाम, भाई नंबर लिखकर दर्ज करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।